चलती चक्की देख के कबीरा रोया और मेरी कलम रुक गई। दमिश्क में इससे भी बढ़कर हुआ था, वहां तो इश्क का बाब ही बंद हो गया था। ऐसी कयामत का अकाल पड़ा कि यार इश्क व आशिकी ही भूल गए। मगर जहानाबाद में क्या हुआ, कभी रोया था, सौदा ने जहरीली हंसी की, फाकों से हिनहिनाने की ताकत नहीं रही। घोड़ी को देखता है तो पादे है बार बार, मुगल शहसवारों के तेज रफ्तार घोड़ों का अब ये हाल हो गया था। उन घोड़ों से उनके हाल का कयास कर लो। दिल्ली शहर एक हंगामे से दो चार था। सौदा ने उस घबराहट को बयान किया और खुलासा यूं किया, आराम से कटने का सुना तूने कुछ अहवाल, जमीयत खातिर कोई सूरत ही कहाँ है, दुनिया में तो आसूदगी रखती है फकत नाम, उकबा में ये कहते हैं कोई उसका निशा है, सोस पर तयक्कुन किसी के दिल को नहीं है, ये बात भी गोविंदा ही का महज गुमा है, या फिक्रे मईशत है तो वा दगदगे हश्र, आसूदगी हर फिसत न यहाँ है न वहाँ है। इससे मैंने अपने जमाने पर कयास किया, एकजुट होने की सूरत कहाँ है, कहीं नहीं। सही कहा कि आसूदगी का तो बस नाम रह गया है, ये तो वही सौदा वाला जमाना वापस आ गया, उससे भी बुरा, नए बटमार नए कज़ाक डाकू लूटे हैं, दिन रात बजा कर नक्कारा नफरत का बोलबाला, हरफे मोहब्बत गायम कलामे नरमो नाजुक बेअसर, कैसी शायरी कहाँ की कहानी, दिल में खस के बराबर जगह न पाए। कबीर रोया, सौदा ने तंज किया, इधर कलम रुक गई। अब मैं दुविधा में हूं, उसी किस्म की दुविधा जो दास्तानों कहानियों में वक्तन फवक्तन मुहिम जो शहजादों को आ लेती है कि पीछे खाई आगे समंदर, फिर क्या किया जाए, बस अचानक ख्वाजा खिज्र नमूदार होते हैं कि मेरी उंगली पकड़ और चल, या कोई गैबी आवाज आती है कि तख्ती को पढ़ जो इसमें लिखा है उस पर अमल कर। मेरे पास कौन सी लो है, हाँ हाँ है अलिफ लैला, मेरे पास यही लो है, लोह कहो फिक्शन का इसमें आजम कहो, और ये अब कौन सी आवाज आई जैसे सुनी हुई हो, अरे ये तो अलिफ लैला के वर्कों के बीच से आ रही है, बिल्कुल शहरजाद की आवाज है। क्या कहती है, कुछ भी नहीं कहती, ना कोई हिदायत ना कोई पैगाम ना कोई फलसफा ना कोई नजरिया, बस कहानियां सुनाए चली जा रही है, एक कहानी दूसरी कहानी तीसरी कहानी, सिलसिला टूटने ही में नहीं आ रहा। ऐ वजीर जादी, ऐ कहानियों की मल्लिका, ऐसे वक्त में तुम्हें कहानियों की सूझी है, जान की खैर मांगो, ये सब रात रात का खेल है, सुबह होने पर तुम्हारी गर्दन होगी और जल्लाद की तलवार, ये सर भी उसी तरह कलम होगा जैसे पिछले जुल्म की सुबहों में कितनी हसीनों महजबीनों का तुमसे पहले हो चुका है। शहरयार बादशाह ने अजब ढंग पकड़ा था कि रोज शाम को एक कुवारी को महल में लाता, रात उसके साथ बसर करता, सुबह होने पर उसका सर कलम करवा देता। शहरजाद के सर में कौन सा फोड़ा निकला था कि खुद अपनी मर्जी से बाप से जिद करके डोली में बैठी, उस मनहूस महल में आन उतरी। आकर उसने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, बस कहानी सुनानी शुरू कर दी। सुहागरात है और दुल्हन छपर खट पर बैठी कहानी सुना रही है। रात कहानी में बीत गई, जब सुबह का तारा झिलमिलाया और मुर्गे ने बांग दी तो शहरजाद बोलते बोलते चुप हो गई। बादशाह ने बेचैन होकर पूछा, फिर क्या हुआ, बोली, अब तो सुबह हो गई, कहानी दिन में थोड़ी ही कही जाती है, कोई गरीब मुसाफिर रस्ते में हुआ तो रास्ता भूल जाएगा, रात हो जाने दो फिर बताऊंगी कि आगे क्या हुआ। बादशाह ने दिल में कहा, चलो एक रात की मोहलत और सही, कहानी पूरी हो लेने दें। तो रात आई
और शहरजाद ने कहानी जहां छोड़ी थी वहां से सिरा पकड़ा और सुनानी शुरू कर दी। मगर कहानी के बीच फिर सुबह का तारा झिलमिलाया, फिर मुर्गा बोल पड़ा और कहानी फिर एक बार नाजुक मोड़ पर आकर थम गई। फिर वही सवाल कि फिर क्या हुआ, और फिर वही जवाब कि अब तो मुर्गे ने बांग दे दी, सुबह हो गई, बाकी बशर्ते हयात रात को। इसी में रातें गुजरती चली गईं और कहानी से कहानी निकलती चली गई। हजार बार सुबह हुई और हजार बार मुर्गे ने बांग दी। 1001वीं रात में कहीं जाकर कहानी खत्म हुई। मगर इस अरसे में बादशाह का कायाकल्प हो चुका था। कहने वाले का भला, सुनने वाले का भला, शहरजाद की जान बची लाखों पाए। बादशाह ने औरतों के कत्ल से तौबा की और चैन पाया। तो ये थी अलिफ लैला की पैदाइश की वजह। मैंने शहरजाद के भेद को पा लिया। कहानी रात को इसीलिए सुनाई जाती है कि वक्त कटे और रात टले। मैं भी एक लंबी काली रात के बीच सांस ले रहा हूं। इस रात का रिश्ता शहरजाद की रातों से मिलता है, तो गोया इस रात का भी तोड़ यही है कि कहानी कही जाए। जब तक रात चले, कहानी चले। और इसी तौर पर जो शहरजाद ने इख्तियार किया था, यानी देखा कि इर्द गिर्द की फजा में खून की बू बसी हुई है, इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं रही, कत्ल है, दहशत और खौफ का समा है, तब उसने इर्द गिर्द से जे ही बेतालुकी का रवैया अपनाया और कहानियों की ऐसी दुनिया में निकल गई जिसकी फजा हाजिर व मौजूद से यकसर मुख्तलिफ थी। मैंने सोचा, चलो हम भी इसी राह पर चलते हैं और उस दुनिया में निकल जाते हैं जहां बस रात थी और कहानी थी, दास्तानें, कथाएं, कहानियां। गुल ने सनोबर के साथ क्या किया, हुस्न बानो ने हातिम से क्या क्या सवाल किए और हातिम क्या क्या जवाब लाया। देव के किले में कैद शहजादी शहजादे को देखकर क्यों रोई और क्यों हंसी। कुलैला ने दमना को क्या नसीहत की और दमना ने उसका क्या जवाब दिया। जितने सवाल उतनी कहानियां, हर कहानी जोखिम भरे सफर की विपदा। झांक कर बाहर देखा, अच्छा फितने की रात तो और लंबी खिंच गई। तो फिर कहानी शुरू हो गई। शहजादा वनों की खाक छानता, नगर नगर घूमता, खस्ता हाल एक निराले ही नगर में जा निकला। देखा कि एक बलंदो बाला किला है जिसके कंगूरे आसमान से बातें करते हैं, कितनी खोपड़ियां उन कंगूरों में लटकी हुई है। ये देखकर हैरान व परेशान हुआ। चलते चलते एक बुजुर्ग की सूरत नजर आई। जल्दी से उसके पास पहुंचा और पूछा, ए साहब, ये कौन सा नगर है और ये किला कैसा है जिसके कंगूरों में सर लटके हुए हैं? जिनके सर कलम हुए वो कौन थे? जिसने कलम किए वो कौन जालिम है? बुजुर्ग ने उसे सर से पैर तक गौर से देखा, फिर यूं बोला कि ए जवान, तू इस शहर में नया आया है, तेरी कमबख्ती तुझे इस शहर में ले आई है, अपनी जवानी पर रहम खा और फौरन यहां से निकल जा। ये शहर कैमूस है, किला ये शाहे कैमूस का है कि दुख्तर बद अख्तर उसकी महरंगेज है। हुस्न वो पाया है कि दुनिया के 7 पदों में उसका जवाब नहीं, पर अपने उम्मीदवारों के लिए कठोर दिल हर उम्मीदवार से सवाल करती है कि गुल सनोबर के साथ क्या कर रहा है। शर्त लगा रखी है कि उम्मीदवार के लिए इस सवाल का जवाब लाजिम है। सही जवाब दे दिया तो उसे अपना सरताज बनाऊंगी, न दे सका तो सर कलम करा के किले के कंगूरे में लटकाऊंगी। किले की ड्योढ़ी में सुनहरी चौब और नक्कारा रखा है। कितने शहजादे आए, उन्होंने नक्कारे पर चौब लगाई। शहजादी के हुजूर में उनकी तलबी हुई, वही एक सवाल, गुलबा सनोबर चह करद। अब तक तो किसी से जवाब बन पड़ा नहीं है, बस ये उन्हीं की खोपड़ियां हैं
जो तू कंगूरों में लटका हुआ देखता है। शहजादे ने आव देखा न ताव, नक्कारे की तरफ लपका। बुजुर्ग चीखता चिल्लाता रह गया कि हाय ये क्या करता है, क्यों अपनी हीरा सी जान गवाता है। उसने कुछ न सुनी, नक्कारे पर ऐसी चौब लगाई कि पूरा शहर गूंज उठा। अहले शहर ने दुहाई दी कि एक और जान गई, एक और सर के कलम होने की बारी आई। मगर ये क्या हुआ, अचानक रोने पीटने चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। इलाही खैर, ये कैसा शोर है, कैसी कहानी, कहां की गुलो सनोबर, मोहल्ले में तो कयामत मची हुई है। ए भाई क्या हुआ, दहशतगर्द, अरे क्या कह रहे हो, दहशतगर्द यहां कहां से आ गए। बस आ गए, ढांटे बांधे, AK-47 ताने मस्जिद में आन धमके, ठाए ठाए दम के दम में कितने नमाजी खून से लथपथ मस्जिद के सहन में तड़पने लगे। सुनने वाले दहशत जदा रह गए, मेरे होश गायब, दिमाग में खलल। एक बुजुर्ग ने ठंडी सांस भरी, क्या जमाना आ गया है, मुसलमान मुसलमानों का खून बहा रहे हैं और खुदा के घर में आकर। दूसरे बुजुर्ग ने दाढ़ी पर हाथ फेरा, मैं नहीं मानता कि ये मुसलमान थे, मुसलमान मुसलमानों पर गोली नहीं चला सकता और फिर खुदा के घर में। फिर कौन थे, एक नौजवान ने गुस्से से कहा। दुश्मन के एजेंट, दूसरे बुजुर्ग ने विश्वास से कहा। मौलाना, नौजवान गुस्से से कांपने लगा, कब तक हम ऐसी बातें करके अपने आप को धोखा देंगे। फिर रुककर बोला, मुसलमान मुसलमान पर गोली नहीं चला सकता। मौलाना आपने शायद मुसलमानों की तारीख नहीं पढ़ी है। हाँ, अब कल के लड़के हमें तारीख पढ़ाएंगे। इस बहस ने मेरे दिमाग को और परेशान कर दिया, मैं उल्टे पांव घर आया। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दिमाग परेशान था, तबीयत में बेचैनी, मेल जोल खातिर कोई सूरत ही कहाँ है। महीनों यही हाल रहा, कहानी का ख्याल हिरन हो चुका था। फिर तबीयत इस तरफ आई भी तो इस तरह कि गुल व सनोबर के किस्से से मुझे वहशत होने लगी। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर इसी कहानी की तरफ मेरा ध्यान क्यों गया, क्यों लिखने वाले के लिए मैंने इसी कहानी को चुना जहां एक शहजादी दहशतगर्द बनी बैठी है, जो नौजवान मोहब्बत के जज्बे से सरशार उसके सामने आकर सरे नियाज खम करता है, ये उसका सर कलम कर देती है। क्या इसका मतलब ये है कि हम पुराने दौर की तरफ भी जाते हैं तो अपने दौर के अंगारे साथ लेकर जाते हैं, या ये मेरी कमजोरी थी कि मैंने अपने जमाने की हिंसा भरी फजा से रस्सा तोड़ाकर पुरानी कहानियों की दुनिया में अमन चाही, मगर इस पर ध्यान नहीं दिया कि मेरे जमाने के अंगारे भी मेरी जात से लिपटे लिपटे मेरे साथ वहां पहुंच गए हैं। मैंने फिर शहरजाद को याद किया, उसने किस कमाल से अपने दिलो दिमाग को अपने इर्द गिर्द की हिंसा और दहशत की फजा से आज़ाद किया था और किस तरह अपनी जात से अपनी कहानियों को अलग किया था कि उसकी सुनाई हुई कहानियों को पढ़ते हुए ये गुमान तक नहीं गुजरता कि ये ऐसी शख्सियत की कल्पना की पैदावार है जिसकी मौत चंद घड़ियों के फासले पर खड़ी उसका इंतजार कर रही है। पता नहीं ये शहरजाद का कमाल था या उन दास्तान गोयों का जिनके साझी कल्पना ने इस बेमिसाल किरदार को जन्म दिया था। वो दास्तान गो कौन थे उनका तो हमें पता नहीं, मगर मेरे लिए तो शहरजाद ही अलिफ लैला का मरकजी किरदार भी है और अलिफ लैला की रचनाकार भी। गालिब ने अपने खतूत में कहीं कहा है कि शायर की इंतहा ये है कि फिरदौसी बन जाए। मेरे हिसाब से कहानीकार की इंतहा ये है कि शहरजाद बन जाए। खैर, तो मैंने शहरजाद से सनद लेकर फिर कहानी की तरफ रुक किया। अब के तय किया कि अपने ज़माने से बाहर नहीं जाऊंगा, मगर अपने ज़माने के अंगारों को करीब नहीं फटकने दूंगा। डेढ़ दो कहानियां लिख चुका तो एक दानिश्वर दोस्त ने ताना दिया कि खूब अफसाना निगार हो।
अफगानिस्तान में बम बरस रहे हैं, पाकिस्तान की सरहदों पर खतरे मंडरा रहे हैं, दुनिया के स्नायु तंत्रों पर दहशतगर्द सवार हैं, और तुम यहाँ बैठे चिड़े चिड़िया की कहानी लिख रहे हो। ये फरार पसंदी नहीं है तो क्या है? इस रद्दे अमल ने मुझे बिल्कुल मुतमईन किया, यानी दौरे हाजिर की हलचलों से बिल्कुल बेताल्लुकी पैदा करके कहानी लिखने की मेरी कोशिश कामयाब हुई। इसी हंगाम में मुझे मुनीर नियाजी की एक नज्म याद आई। उसका उन्वान है, जंग के साए में जमीन की जन्नत का ख्वाब। नज्म इस तरह है, कभी जामुन की शाखों में, कभी फर्शे जमरूद पर, ये गुलदुम गा रही है रागिनी अहदे मोहब्बत की। खुली चटियल जमीनों से गुबारे शाम में उड़ती, सदाएं घर में वापस आ रहे मस्तरूर लोगों की, उफक तक खेत सरसों के, गुलाब और सब्ज गंदुम के, हवेली के शजर, पुरशोर चिड़ियों के चहकने का अजब हैरानियां सी है, मकानों और मकीनों में कि मौसम आ रहा है गांव के जंगल महकने का। इस नज्म में जंग कहाँ है? जंग की तरफ कोई इशारा? कुछ भी नहीं, मगर इसी में तो नज्म की कामयाबी का राज है। मतलब ये है कि यहाँ तख्लीकी जहन ने जंग के ख्याल से अधीन होने से इनकार कर दिया है। ये गोया जंग के मुकाबले में तख्लीकी जैन की फतह का ऐलान है। मैं मुनीर नियाजी को दाद देने के साथ साथ अपने आप को भी चिड़े चिड़िया की कहानी पर दाद देने लगा था कि एक पाठक ने उस कहानी का कुछ और ही मतलब निकाला। उसने उसे अलामती कहानी के तौर पर पढ़ा और उसमें हमारे ज़माने की इंसानी सूरत हाल का एक अक्स देख लिया। कहानी की इस ताबीर ने मुझे परेशान कर दिया, मेरी तो सारी मेहनत पर पानी फिर गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि अपने ज़माने के अंगारे कहानी में फिर राह पा गए हैं। मैं तो समझ रहा था कि आखिरकार फरारी कहानी लिखने में कामयाब हो गया हूँ। अगर फरारियत पसंदी की राह कहानी को बचाया जा सकता है तो ये सौदा क्या बुरा है? लेकिन अगर उस पाठक ने उस कहानी को इसी तरह समझा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब लाख अपने ज़माने से भागें, ज़माना आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। सात पर्दों में छुपकर भी कहानी लिखेंगे तो ज़माने के अंगारे वहाँ पहुँचकर कहानी को आँच देंगे। मैंने एक बार फिर शहरज़ाद की तरफ रुख किया और किसकी तरफ देखूँ, किससे पूछूँ? कहानी में आखिरी हर्फ तो शहरज़ाद ही है। शायर की इंतहा है कि फिरदौसी हो जाए, कहानीकार की इंतहा ये है कि शहरज़ाद बन जाए। इस इंतहा को और किसने देखा है? मैं क्या खा के इस इंतहा को छूंगा, मगर आरजू करने में क्या हर्ज है? सो फिर इसी नियत के साथ कहानी लिखने बैठ जाता हूँ, मगर फिर वही किस्सा, इसी तरह की खंडत। और अब मुझे एक ख्याल और आया, जमाना तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा, उससे कहाँ तक भागोगे? तो एक दफा ये कड़वी गोली निगल लो, यानी हमारे जमाने में जो कुछ हो रहा है उससे भागो मत। पहले इस सब कुछ को कबूल करो, फिर शायद इससे गुरेज की राह भी निकल आए। तो अच्छा यूं ही सही, ये करके भी देख ले। और आखिर मुझे जिहाद थोड़े ही करना है, कहानी ही लिखनी है, जब तक लिखी जा सके और जैसी भी लिखी जा सके। रात बाकी, कहानी बाकी, सो जब तलक बस चल सके, सागर चले, कहानी चले।